लपटे चारों ओर फैलता धुआं। ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी की, जहां कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें धधक रही हैं। इस आग में हजारों टन कचरा जल गया। हालांकि गनीमत रही कि इस अग्नि की ज्वाला में किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है। दरअसल हल्द्वानी के टचिंग ग्राउंड में पड़े लाखों टन कूड़े में अचानक भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ये आग अज्ञात लोगों द्वारा लगाई गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। इस धुएं से आसपास के इलाकों में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। आग इतनी भयानक है कि फायर ब्रिगेड की टीम के पसीने छूट रहे हैं। कारण से कूड़े के ढेर में आग लग गई, इससे आम जनमानस को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम वहाँ पर विजिट किए हैं आज और हमने देखा कि हमारे टैंकर्स लगे हैं, लेकिन और टैंकर्स की आवश्यकता है, इसलिए हमने जो फायर डिपार्टमेंट है उसमें CFO साहब से बात करके और टैंकर्स की व्यवस्था के लिए कहा है, वो भिजवा रहे हैं। इसके अलावा निगम भी अपने जितने टैंकर्स हैं वो सारे वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है वहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई जाने की, तो हमारे कैमरे की लाइन भी काट दी है असामाजिक तत्वों ने, तो उसको भी आज हम लोग ठीक करवा करके दोबारा से करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में हम लोग आग पर पूर्णतया काबू पा लेंगे और लोगों को जो असुविधा हो रही है उसको हम लोग रोक पाएंगे। वहीं आग लगने की घटना को लेकर नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जिन लोगों ने भी टचिंग ग्राउंड में आग लगाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आग लगने की इस घटना में किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। पंजाब केसरी TV के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।